पानी पूरी, गोलगप्पे, फुल्की, बताशे, सुन के मुँह में पानी आया ना, मेरे भी आया था। तो आई थॉट चलो बनाते हैं यार, गर्मियों का टाइम है, इससे बढ़िया क्या ही चीज़ होगी, खाने का तो वैसे भी मन नहीं करता। सो हाई एवरी वन, आई एम देवांशी एंड वेलकम टू सब फूड ट्रैवल। आई एम टेलिंग यू द क्वांटिटी जितनी हमें इसमें डालनी है। पहले तो जो मटर होती है वो बनाएंगे, वाइट मटर, उसमें उसको 6 घंटे लगभग अप्रॉक्स रखते हैं हम पानी में। उसके बाद कुकर में पानी उतना डालें, थोड़ा 2 इंच ऊपर उसके कुकर के हो जाए, उसको बॉईल करें 15 मिनट सिम पे। पुदीनों को हमने वॉश करके रखा है जैसे कि आप देख रहे हो, 250 ग्राम पुदीना लिया है, उसमें मिर्ची डाली है ग्राइंडर में, मिर्ची आपकी मर्ज़ी डालो ना डालो, 3-4 मिर्ची आप डाल सकते हो। ग्राइंडर में अच्छे से उसे ग्राइंड कर दो, पेस्ट बना लो, जैसे पेस्ट बना लो कितना अच्छा बनेगा, सी कितना अच्छा बना था उसको। एक फिर छन्नी लो बड़ी, भगोने में मैंने बनाया, 3 लीटर पानी था, बन गया था हमारा। तो काफ़ी अच्छे से उसको चलाया जाता है पूरा, मतलब जब जो उसका रेसिडुअल होता है वो ऊपर रहना चाहिए, पानी पानी पूरा नीचे आ जाना चाहिए। पर हाँ भाई, मम्मी से सीखा, कुछ चीज़ वेस्ट नहीं करते, और पानी डाल के उसको वो करते हैं। एंड एज आई सेड, गर्मियों का टाइम है तो अमिया से बढ़िया क्या ही होना है, अमिया का पानी हमने बनाया उसको डालेंगे, बॉयल करके बनाया था वो, कभी और आपके वीडियो में दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा डालते हैं, आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो एज यू विश, और यार अमिया का पानी आप डालो वो बेटर है, हेल्दी भी होता है। जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक, बहुत थोड़ी सी हींग, स्वाद अनुसार आपके नमक रहेंगे, डालो उसको चलाओ। जैसे मैंने आपको एक आइडिया दे दूँ, 3 लीटर मेरा पानी बना है तो इसमें 3 से 4 चम्मच सफ़ेद नमक डल गया, हींग बहुत चुटकी भर की क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है जो मेरे यहाँ आती है, तो उसका मैं एक आइडिया बता दे रही हूँ आपको। उसको काफ़ी देर अच्छे से चलाओ ताकि सब अच्छे से हो जाए, और इसमें आप आइस क्यूब भी डाल सकते हो अगर आपको ठंडा खाना है। ये मेरा रेडी है पानी के बताशे, फुल्की, पानी पूरी जो कह लो आप। लुक एट द कलर एंड द टेक्सचर गाइस, बहुत अच्छा बना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। बाय।